Xiaomi ने Redmi 6 और Redmi 6 से दोनों ही अपने नए स्मार्टफोन्स को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है और आज हम इन्हीं के बारे में कुछ बात करने वाले हैं और जानेंगे कुछ फैक्ट्स और देखेंगे कि क्या ये फोन इंडिया में किस प्राइस पर क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होते हैं। तो सबसे पहले Redmi 6 की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली में अभी कुछ महीने पहले मार्च में जब Redmi 5 रिलीज हुआ था, ये उसी का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर आपको 5.45 इंच का एक HD प्लस यानी कि 720p वाला 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो चारों तरफ मोटी मोटी बेजल्स भी देखने को मिलती है, तो ये बेजललेस डिस्प्ले नहीं है। और प्रोसेसर जो लगा है इसमें वो लगा है मीडियाटेक का हीलियो P22। अगर इस प्रोसेसर के बारे में आपको नहीं पता है तो ये 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो 12 नैनोमीटर है। ये 2 GHz का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो ये मीडियाटेक का प्रोसेसर इसके अंदर मिलेगा, कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है। और इंडिया में जब आएगा तो उसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं। रैम स्टोरेज की बात करें तो 3GB रैम 32GB के साथ मिलेगा और 4GB रैम 64GB का स्टोरेज आएगा। और हाँ, इसके अंदर मेमोरी कार्ड लग जाएगा, लेकिन वही हाइब्रिड डुअल सिम कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी दी है, जबकि पहले Redmi सीरीज में लोग 4000 देते थे। Android 8.1 Oreo आएगा, ये अच्छी बात है, और MIUI 9 आएगा, जबकि MIUI 10 का अपडेट बाद में दिया जाएगा। कैमरास में भी इसमें वैसा ही इंप्रूवमेंट किया गया जैसा आपको अभी Redmi Y2 में मिला था, यानी कि 12 और प्लस 5 मेगापिक्सल के पीछे की तरफ कैमराज है और सेल्फी के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये थी स्पेसिफिकेशन Redmi 6 की। अब Redmi 6A के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi 5A का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो Redmi 5A पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुआ था, ये Redmi 6A है। और Redmi 6A में भी आपको सेम डिस्प्ले मिलता है 5.45 इंच का ही, 720p HD प्लस 18:9 एस्पेक्ट रेशियो और मोटी मोटी बेजल्स चारों तरफ, लेकिन प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर मीडियाटेक का A22 है। उसमें P22 था, इसमें A22 है। दोनों ही प्रोसेसर सेम है, डिफरेंस ये है कि जो A22 प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है, जबकि Redmi 6 में एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी। इसके अंदर सिर्फ एक ही रैम और स्टोरेज का मॉडल है, वो है 2GB रैम 16GB स्टोरेज। अब SSD क्योंकि ये Xiaomi का सबसे सस्ता फोन होने वाला है। कैमरा की बात करें तो इसके अंदर केवल सिंगल कैमरा ही दिया गया 13 MP का, और 5 MP का सेल्फी के लिए कैमरा दिया गया है। और बैटरी वही 3000 mAh की दी गई है। Android 8.1 Oreo MIUI 9 मिलता है और हाइब्रिड डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है। अब इनकी चाइना की प्राइसिंग के बारे में बात कर ले तो उसके बाद हम इंडिया की प्राइसिंग वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो जो Redmi 6 है ना, वो 3GB रैम 32GB वाला चाइना में 799 युआन का मिलता है, जो इंडिया की प्राइसिंग के हिसाब से लगभग 8,000 से 8,500 रुपए के राउंड होती है। और Redmi 6 का 4GB रैम 64GB वाला मॉडल 999 युआन का मिलता है, जो लगभग 10,000 रुपए के आसपास का होता है। और Redmi 6 की बात करें तो ये फोन लगभग 599 युआन का मिलता है, जो इंडिया के हिसाब से होता है 6,000 से 6,500 रुपए। अब बात करते हैं ये कब आएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो Redmi 5A आया था वो दिसंबर में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था, तो लगभग उसको काफी ज्यादा समय हो गया है। तो सीधी बात है कि Redmi 6 से पहले Redmi 6A इंडिया में आएगा, और Redmi 6A का मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये जुलाई या अगस्त के बीच आ सकता है, क्योंकि Redmi सीरीज जो होती है वो तो इंडिया में थोड़ी जल्दी आ जाती है और ये काफी जल्दी आ सकता है, तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और अब हम बात करते हैं सबसे पॉपुलर फोन जो है Redmi 6। जैसा कि आपको पता है कि Redmi 5 अभी मार्च में ही आया था और अभी भी सेल में मिलता है, और ज्यादातर लोगों को तो अभी मिल भी नहीं पाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने Redmi Y2 को भी लॉन्च कर दिया है, और अब लॉन्च करा है इन्होंने Redmi 6 को। तो Redmi 6 जब इंडिया के मार्केट में आएगा तो ये कुछ आ सकता है सितंबर अक्टूबर के अराउंड, क्योंकि Xiaomi का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कम से कम Xiaomi Redmi के जो फोन्स होते हैं 3 से 4 महीने तो लगा ही लेते हैं इंडिया के अंदर आने के। तो आप वेट कर सकते हैं इसको सितंबर से अक्टूबर के अराउंड कि आपको Redmi 6 स्मार्टफोन इंडिया में मिल जाएगा। और Redmi 6 आप देख सकते हैं कि सीधी बात एक अपग्रेड है कैमरा के बारे में। और अगर हम इनके प्रोसेसर वगैरह के बारे में बात करें ना, कि Xiaomi ने चाइना के अंदर MediaTek का प्रोसेसर लॉन्च किया है, तो क्या ये MediaTek के प्रोसेसर के साथ इंडिया में ही आएंगे, तो इसका जवाब है शायद हाँ या शायद ना भी। अब हाँ इसलिए क्योंकि 2014 में इनका कुछ इशू हुआ था एरिक्सन के साथ, जिसका रिजल्ट ये था कि MediaTek प्रोसेसर वाले फोन्स जो है वो इंडिया में ला नहीं सकते, लेकिन वो मामला ठंडा हो गया है और अब Xiaomi चाहे तो वो MediaTek प्रोसेसर वाले फोन्स को इंडिया में ला सकती है। तो ये फोन शायद से आपको MediaTek के प्रोसेसर के साथ देखने को मिल सकते हैं, और शायद ना इसलिए क्योंकि Xiaomi को पता है कि इंडिया में जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाले जो फोन है वो काफी अच्छा चलते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया में वो स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर इसके अंदर डाल दे। अब क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर इसमें डालेंगे, तो जो Redmi 6 से हो सकता है कि उसके अंदर Xiaomi का फेवरेट प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 625 है वो ही मिल जाए, मतलब MediaTek का हीलियो P22 हटा के स्नैपड्रैगन 625 के साथ इसे इंडिया में ले, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और वहीं बात करें Redmi 6 है कि दो जो नए प्रोसेसर जो रिलीज किए क्वालकॉम ने, जो कि है स्नैपड्रैगन 429 और स्नैपड्रैगन 439, शायद इन दोनों में से कोई एक प्रोसेसर शायद Redmi 6 के अंदर आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर स्नैपड्रैगन 430 जो पुराना प्रोसेसर था जो Redmi 3S में मिलता था, शायद वो भी आ सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि Redmi 6A जब आता है तो एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि अभी जो फोन रिलीज किया केवल अभी चाइना के लिए है, और जब इंडिया के लिए रिलीज करेंगे तब हम इनके बारे में और
बात करेंगे। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आप Redmi 6 का स्नैपड्रैगन वाला वर्जन लेना पसंद करोगे कि मीडियाटेक वाला, ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताओ आप। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।